कुलगाम जिले में इंडस्ट्री ना होने के कारण वहाँ के लोग और अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए विद्यार्थी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहाँ के लोगों की अपील है कि उधर इंडस्ट्री बढ़ाई जाए ताकि कुलगाम के लोगों को रोजगार मिल सके। ये बात आपकी वजह है कि हमारे पास 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ मराइल में है। एक हमारे पास इंडस्ट्रियल एस्टेट कुलगाम में है जो मोर देन 50 कैनाल्स पे ऑलरेडी उसका लैंड भी प्रोक्योर हुआ है, और सीकाप जो है, सीकाप उसकी एजेंसी है, प्रोजेक्ट एजेंसी, फेंसिंग का काम कुछ मुकम्मल हुआ है, कुछ मुकम्मल होने जा रहा है। उसमें OHT जो है, ओवरहेड टैंक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अभी तक नहीं बनी थी, वी हैव ऑलरेडी इशू डायरेक्शंस कि उनको जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बन जाए। मेन गेट पे काम जल्दी होगा, जहाँ तक वहाँ एक रिसीविंग स्टेशन बन रहा है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होंगे हमारे तो उनके लिए पावर भी होना चाहिए। उनके लिए ऑलरेडी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक रिवाइज्ड प्रोजेक्ट भेजा है 3.17 करोड़ का, उसके अगेंस्ट 1.25 करोड़ रिलीज भी हुआ PDD को, तो उनके साथ हमने मीटिंग भी की है और जल्दी उस पर काम स्टार्ट होगा। बताऊँगा, मेरा नाम अर्शद हुसैन जरगर, मैं कुलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने भी काफ़ी पढ़ा था, मगर आजकल के जो नौजवान हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि रोज़गार के वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर हैं, उनको चाहे कि वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दे, ताकि ये यहाँ के जवान जो हैं वो परेशानी का शिकार ना हो। आमतौर मैं J&K की बात करूँगा कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है यहाँ की गवर्नमेंट, और ख़ास कर मैं कुलगाम की अगर बात करूँगा, यहाँ कुलगाम में इंडस्ट्रीज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है।